आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे और मैं आज आपको बताऊंगी निडिल वीविंग स्टिच। पहले भी मैं फ्रेंड्स आपको कई तरह की स्टिच इस तरह बता चुकी हूँ, तो जैसे चैन स्टिच, रोमानिया, फिशबोन वगैरह कई काफ़ी स्टिच डाल चुकी हूँ, तो आज मैं आपको निडिल वीविंग स्टिच बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए हमें एक फ्रेम की, पेन की और एक कैंची की और रेशमी धागे, जो आपकी इच्छा हो एंकर के या रेशमी जो धागे आपको यूज़ करने हो वो कर सकते हैं। और इसके लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं नीडल वीविंग स्टिच। उसके लिए फ्रेंड्स हमें कोई भी फूल ड्रॉ करके और उसमें हमें सबसे पहले इस तरह से करना होगा। ये नीचे से लेके 4-5 पत्तियाँ हमें इस टाइप से सिंपल तरीके से बनानी होंगी, इस तरीके से। तो इस तरह फ्रेंड्स हमें अपनी इसमें ये 4 से 5 या 6 तक हमें इस तरह सिंपल इसकी टहनियाँ इस तरह से बनानी होंगी, इस तरीके से। सबसे पहले ये हम इस तरह से फ्रेंड्स बना लेंगे और उसके बाद हमें इस तरीके से हर जो ये टाका है हमारा उसके नीचे से इस तरह हमें सुई को घुमाते हुए और फिर इसके ऊपर से लेते हुए दूसरे धागे तक हमें जाना होगा। इस तरीके से हमें देखना होगा कि भाई धागा हमारा उसके नीचे ना आवे, सिर्फ सुई सुई हमारे इस धागे के नीचे से निकलनी चाहिए। जो धागा है हमारा इसके नीचे से सिर्फ सुई निकलनी चाहिए, इस तरीके से। और फिर दोबारा इस तरह करते हुए फिर हम तीसरे के नीचे जाएंगे। इस तरह करते हुए फिर इसके नीचे से एक ही उसके ऊपर से फ्रेंड्स हमें 2 पर लेना होगा, इस तरह नीचे से और फिर आगे जाना होगा, इस तरीके से। और ये बिल्कुल फ्रेंड्स ये बिल्कुल नीचे से मिलाते हुए चलना है हमें, इस तरीके से। रेशमी धागे फ्रेंड्स जल्दी हमारे लग जाते हैं, तो हमें इनको ज़्यादा लंबा नहीं पाना है सुई में, तो उनको थोड़ा छोटा ही करके पाना है। तो इस तरीके से हमें इसके चारों तरफ सर्कल में चलना है। इसी तरह हमें ये पूरी लाइनें यहाँ तक फ्रेंड्स हमें पूरी पूरी बननी है इसी तरीके से चलते हुए। और फ्रेंड्स इस तरह करते हुए हम अपने ये पूरे सिरे तक इनको इस कढ़ाई को अपनी लेकर आएंगे, इस तरीके से। और इस तरीके से कोई भी हम इस तरह फोल्ड अपना ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी, और उसको पूरा इस तरह से धागे से भर सकते हैं और यह बहुत अच्छी लगेगा बनने के बाद। इसी तरीके से हमें सारी पत्तियों को पूरा कवर करते जाना है इस तरह से, इस धागे के नीचे से लेकर। और ये कढ़ाई हमारी इस तरह से बनती जाएगी, इसको निडल वीविंग बोलते हैं। ये इस तरह से, और फ्रेंड्स ये हमारी इस तरीके से तैयार हो जाएगी। ये इस तरह हमारी डंडे हो जाएंगे और ये बीच में एक जाल सा बन जाएगा, जैसे एक मकड़ी का जाल होता है उस तरह से बन के तैयार होगा ये। और जो ये हमारी पत्तियाँ ये साटन स्टिच में होंगी और ये चैन स्टिच में। साटन स्टिच का मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ, तो
इस तरीके से फ्रेंड्स हम पत्ती बनाकर और उसे ये जो पत्तियां हैं फ्रेंड्स हमें अधिकतर ग्रीन रंग में ही करनी होंगी। ये मैं आपको थोड़ा बताने के लिए कर रही हूँ, ये साटन स्टिच है और वैसे मैं पहले अपनी वीडियो डाल चुकी हूँ, उसमें आप खोल कर देख सकते हैं। तो ये हमारी साटन स्टिच इस तरीके से बन जाएगी और ये सभी पत्तियां इसकी हमें इसी स्टिच में बनानी होंगी। इस तरीके से करते हुए जिस शेप में हमारी पत्ती होगी उसी शेप में हमें लेके चलना है और इस तरह हमें इसको पूरा भर देना है। और फ्रेंड्स जो हमारी ये टहनियाँ हैं ये हमारी चैन स्टिच में तैयार होगी, वो भी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो इस तरह से हमारी इस तरीके की नीडल वीविंग स्टिच तैयार हो जाएगी और ये बन के बहुत अच्छी लगेगी। आप किसी भी सूट पर या किसी भी कपड़े पर या अपने पिलो कवर पर किसी भी चीज़ पर आप बना सकते हैं और ये बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स अब हम अपनी अगली स्टिच बताते हैं। और फ्रेंड्स ये है हमारी क्रॉस स्टिच, तो मैं आपको ये क्रॉस स्टिच बता रही हूँ किस तरह बनेगी। तो चलिए इस तरह से हम कोई भी फूल या कुछ भी ड्रॉ कर लेंगे और हम इस तरीके से सुई को नीचे से निकालेंगे और ये हमें इस तरह से आगे की तरफ लेकर थोड़ी सी लेनी होगी और इस तरह से हम बनाएंगे इसको और फिर इसी के सामने इस तरह से लेंगे हम और फिर इसी साइड ऐसे देंगे इस तरह से। इसको फ्रेंड्स मच्छी टाका भी बोलते हैं और इसको क्रॉस स्टिच भी बोलते हैं। तो आपके वहाँ नाम लेते होंगे इसका, तो आप देख लेना, इसको दोनों ही स्टिच बोलते हैं, क्रॉस स्टिच भी और मच्छी टाका भी बोलते हैं इस तरीके से। और फ्रेंड्स ये जो हमने सारी इसमें लाइन ड्रॉ की हुई है ये भी हमारी सिर्फ इसी टाके से बनी हुई है। तो यदि आप इस तरह का कोई स्टिच का सारा कपड़ा तैयार करना चाहते हैं तो आप भी इस तरह से लाइन ड्रॉ करके और इसी तरीके से इस टाके को बना सकते हैं उसके ऊपर और उसके बाद अपनी ये किसी भी आउटलाइन या किसी भी चीज़ में या कोई फूल पत्ती में भी इसको हम टाके को भर सकते हैं इस तरीके से करते हुए। और फिर इसके बाद हमें ये पूरा करने के बाद इसको हमें दोबारा इस तरीके से जो हमारे ये बीच में गैप है यहाँ पर इनमें लेकर चलना है यही टाका। तब हमने इस तरह से लिया था और अब हमें इसको इस तरीके से लेना है, इस तरफ से ऐसे लेना है। और फ्रेंड्स इस तरीके से ये हमारे क्रॉस वाइज बनते जाएंगे इस तरीके से, ये हमारे क्रॉस बन जाएंगे तो इनको बोलते हैं क्रॉस स्टिच। और कई बार मछली के शरीर पर भी इस तरीके से बने होते हैं तो इस करके भी इसको मच्छी डांगा बोल देते हैं। तो इस तरह हमारी ये क्रॉस स्टिच बनके तैयार हो जाएगी। ये हम जो भी आकृति जो भी शेप आप बनाना चाहें करना चाहें वो कर सकते हैं इस स्टिच से। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारी क्रॉस स्टिच बनके तैयार हुई ये, और इसमें ये है हमारी क्रॉस स्टिच फ्रेंड्स। ये कोई भी फूल आप बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी फीदर स्टिच की तरफ, ये है हमारी फीदर स्टिच। तो फ्रेंड्स अब हम अपनी फीदर स्टिच बताते हैं। तो ये हम इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से करेंगे और फिर एक टाका हम इस तरह से लेके इसको पूरा कर लेंगे और फिर हम अपनी सुई ऊपर से निकालते हुए अपने नीचे की तरफ ले जाएंगे और फिर एक टाका हम इधर की तरफ बना देंगे इस तरह से और फिर इसी तरह एक हम बना देंगे। ये थोड़ा हमें लंबा देना हुआ और सुई हमारी इस तरह ऊपर धागा इसके ऊपर से आना चाहिए सुई के और फिर इस तरीके से इसके ऊपर से हमें इसको बंद करना होगा
और फिर यहाँ से लेते हुए हमें फिर इसी तरह से आगे लेना होगा और फिर हमें अपने इसको स्टिच को बंद कर। और फ्रेंड्स इस तरह करते हुए हम अपनी इस स्टिच को पत्ती को पूरी इस तरह इसी स्टिच से भर देंगे। ये है हमारी फीदर स्टिच, तो इस तरह हमें ये हमारी फीदर स्टिच बन के तैयार हो जाएगी। और जब हम कभी भी अपने टाँके को या सुई को बंद करते हैं अपने डिजाइन को, तो इस तरीके से हमें बंद करना है। और इस तरह फ्रेंड्स इसी तरह हमें पहले अपनी ये पूरी बीच की डंडी को इसी स्टिच में हमें तैयार करना है इसी तरीके से। इस तरह से बना के हमें और फिर इसको इस तरह निकाल के और फिर हम यहाँ पर लाकर इसको फिर दोबारे इसी स्टिच को इस तरह से बनाना है। ये ऐसे करेंगे और फिर इस सुई को हम ऊपर से निकाल कर इस तरह इसको बंद कर देंगे ताकि हमारा खुले ना। और फिर दूसरी साइड लेंगे हम इसको इस तरह से और फिर इसको भी इसी तरीके से पत्ती सी शेप दे के कर देंगे और फिर हम बंद करते हैं। फिर दूसरी साइड जाएंगे इधर और फिर हम इसको इसी तरह से सुई का धागा हमारे सुई के ऊपर से होना चाहिए और इस तरह से बनाते जाएंगे। इस तरीके से और इसी तरह हम अपनी पूरी जितनी भी हम पत्तियाँ ये बनाएंगे उनको इसी तरह से हम पूरी बनाते जाएंगे। और इस तरह से हमारा फ्रेंड्स ये फीदर स्टिच बन के तैयार होगा। और ये हमने साटन स्टिच में बनाया हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी बता दी और आज भी मैंने आपको एक पत्ती भर के बताया है। तो ये हमारा ये जिस शेप में हमारा बनता जाएगा उसी शेप में हमारा टाँका चलता जाएगा, तिरछी शेप में चौड़ा या पतला उसी हिसाब से हम अपनी सुई को अपने टाँके को चलाते जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारी फीदर स्टिच है। तो फ्रेंड्स यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो यदि पसंद आई तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।